ला रिलेटिंग टू वोमैन से रिलेटेड, सॉल्व एमसीक्यू की ये दूसरी टेस्ट सीरीज की वीडियो है। चैनल पर नया आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। और पिछली टेस्ट सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो ला रिलेटिंग टू वोमैन से रिलेटेड प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, तो आपको पहली टेस्ट सीरीज की वीडियो ला रिलेटिंग टू वोमैन से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने 18 जनवरी 1955, बी है 18 अप्रैल 1955, सी है 18 मार्च 1955 और डी है 18 मई 1955। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 18 मई 1955। दूसरा क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में बच्चों की अभिरक्षा हेतु उपबंध किए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने धारा 21A, धारा 21B, धारा 21C और धारा 26। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 26। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सप्तपदी का उपबंध दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 7। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने न्यायिक पृथक्करण से, बी है शून्य विवाह से, सी है शून्यकरणीय विवाह से, डी है शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों से पैदा हुए बच्चों से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों से पैदा हुए बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह की शर्तें दी गई हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है धारा 5, बी है धारा 7, सी है धारा 8, डी है धारा 4। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक हिंदू पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है यदि, ऑप्शन है आपके सामने, उसका पति नपुंसक है, बी उसका पति पत्नी का सपिंड है, सी उसका पति धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रहा, डी विवाह के लिए पत्नी की सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई है। तो 6 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, उसका पति धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति विवाह विच्छेद के पश्चात विवाह कर सकता है यदि, तो ऑप्शन है आपके सामने, डिक्री के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं है, बी अपील का अधिकार है परंतु अपील की समय सीमा समाप्त होने के कारण प्रस्तुत नहीं की गई, और नेक्स्ट है अपील की गई हो और खारिज हो गई हो, और डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस धारा में परस्पर सम्मति से विवाह विच्छेद के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने धारा 13A, बी है धारा 13B, सी है धारा 13(1)A और डी है धारा 16। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 13B। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायालय ने किस बात में कहा था कि पति के उकसाने पर पत्नी द्वारा मंगलसूत्र उतारना पति के विरुद्ध क्रूरता नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने राजेश कुमार सिंह बनाम रेखा सिंह, बी है अर्चना शर्मा बनाम सुरेश कुमार शर्मा, सी है एस हनुमंत राव बनाम रोमानी, डी है नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, एस हनुमंत राव बनाम रोमानी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधित्यजन के लिए विहित अवधि है। ऑप्शन है आपके सामने 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका
बी ऑप्शन सही होगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत पत्नी को कितने आधार दिए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 2, 5, नेक्स्ट है 4 और 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित आधारों में कौन सा एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने क्रूरता, बी है धर्म परिवर्तन, सी है नपुंसकता और डी है जारकर्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, नपुंसकता। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए वीडियो को तो शेयर करिए ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों।